तो गाइस, आजकल बच्चों के पास सब्जेक्ट नॉलेज एंड थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत होता है, बट जब मैं उनसे फार्मा के अपडेट्स के बारे में पूछती हूँ, देन दे हार्डली नो अबाउट एनी थिंग, बिकॉज उनके उनको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट आज मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, क्या ट्रेंड्स में चल रहा है, क्या लाइमलाइट में और क्या इनोवेट हो रहा है. दे हार्डली नो एनी थिंग अबाउट इट. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दिस फार्मा अपडेट्स. इससे ना दो फायदे होते हैं. पहला, इट गिव्स अस अ गुड नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड फार्मेसी बैकग्राउंड, एंड सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स अस विद अ कटिंग एज अमंगस्ट अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो आज हम सीखेंगे कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग, ओके, अबाउट 3 फार्मा अपडेट्स. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट अपडेट फॉर यू इज इंडियाज फर्स्ट mRNA COVID-19 वैक्सीन, जिसको जैमकोवैक 19 से भी जाना जाता है, दैट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स. उसके बहुत चांसेस है कि इट विल बी कमिंग इन द COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव. सेकेंडली, एक रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड नेसल स्प्रे से जाना कि दैट इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द COVID-19 वायरस लोड. एंड थर्ड अपडेट इज़ दैट कि गाइस, US में जो भी बर्थ कंट्रोल के पिल्स होते हैं ना, दैट इज़ शेड्यूल H. आपको पता होगा शेड्यूल H ड्रग्स आर RX ड्रग्स, ओके, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स. तो HRA फार्मावर्क फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, तो उसने एक एप्लीकेशन फाइल की है USFDA को, आस्किंग टू कन्वर्ट वन ऑफ देयर पिल्स, जिसको ओपिल बोलते हैं, प्रोजेस्टिन ओनली पिल, टू गेट इट अवेलेबल एज OTC, ओवर द काउंटर ड्रग. अभी ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि USFDA क्या करता है, क्योंकि रिसेंटली US में ये सब अबॉर्शन का बैन हुआ है, ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ जानने का कि अभी आगे USFDA क्या करता है, वेदर इट इज़ अफर्मिंग टू द एप्लीकेशन और नॉट. ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द थम्स अप, एंड इवन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट यू गेट योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फार्मा. दिस इज़ नाइफरी लीक साइनिंग ऑफ.